कहाँ से बन गया ऐसे क्या? जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल विजयते धराम। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। सभी को प्यार भरी राधे राधे। राधा रानी हम सभी पर कृपा करें और जल्द से जल्द आपको बरसाना बुलाए। श्री जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। देखिए श्री जी ने कभी आपको अपने से अलग किया ही नहीं। हमारा जो कल का भी जो चमत्कार था वह भी आप सभी ने देखा, लाइव चमत्कार हुआ। श्री जी ने कल भी बता दिया कि मैं कभी तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भावों पर रिझत हूँ, मेरे लिए सभी एक बराबर है, सभी भक्त मेरे लिए एक समान है। श्री जी हमेशा आपके भावों पर रिझती है। जैसा कि कल हमने एक टास्क था भक्तों का, एक लीला थी जिसमें सभी भक्तों ने अपनी राधा रानी को किस कलर की पोशाक में देखना पसंद किया, वे सभी भक्तों ने अपना नाम और कलर एक पर्ची के माध्यम से श्री जी के चरणों में रखे हमने। उसके बाद में वह पर्ची हमने सभी के सामने लाइव खोली। तो जब पर्चियां लाइव खुली तो एक बार फिर से श्री जी ने चमत्कार कर दिया। आप यकीन मानिएगा कि वह साक्षात श्री जी का, दो बार हमने पर्चियां खोली, दोनों बार साक्षात श्री जी ने चमत्कार करके दिखा दिया कि मेरे लिए मेरी राधा रानी का परिवार सबसे ऊपर है। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। मैं पहले भी कहता था मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी है। और जब से हमने इधर से हाँ जी जी वृंदावन अभी नहीं, वृंदावन नवरात्र ये श्री जी सब पर कृपा करती हैं। और श्री जी ने कल दिखा दिया, श्री जी ने कल दिखा दिया कि मेरे भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय है। मेरे भक्त सबसे प्रिय मेरे लिए हैं। आप इसी तरह जुड़ते हैं। और देखिए मैं एक चमत्कार आपके लिए, इंसिडेंटली अभी का चमत्कार है, जो कहते थे ना कि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, तो वही चमत्कार सच में हुआ जिसके बारे में मैं आज आपको शेयर करूँगा। आप भी शेयर कीजिए सभी लोगों को ताकि सभी लोग जुड़ सकें और श्री जी के चमत्कार का आनंद ले सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ, आप सभी के भाव जो मैं डेली पूछता हूँ कि आज हमारी राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है, श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक आज धारण कर रखी है। तो सभी अपने भाव व्यक्त कीजिए, सभी साक्षात श्री जी को अर्पित कीजिए। देखते हैं कि श्री जी किन के भावों पर रिझ जाती है। वैसे तो भक्तों के भाव पर ही रिझती है, लेकिन फिर भी जो भी भक्त हैं सभी शेयर कीजिए और श्री जी का आनंद लीजिए। बहुत आनंद आता है जब ऐसा लगता है ना, जब कोई भक्त बोलता है कि भैया श्री जी ने ये पोशाक पहन रखी होगी और उसके पास
उसके बाद वही पोशाक जब श्री जी पहनती हैं तो मानिए वो वाली खुशी होती है कि जैसा ऐसा लगता है कि साक्षातास जन्मदिन पर वो बधाइयाँ मिलती है ना, जो जन्मदिन की जो बधाइयाँ होती हैं वे बधाइयों के रूप में वो खुशी हमें प्राप्त होती है कि जो हमारी जो हमारे भाव हैं साक्षात श्री जी को अर्पित हो गए। तो सभी लोग एक बार बताइए कि श्री जी ने आज कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी का बहुत ही प्यारा श्रृंगार है, सभी लोग इसी तरह जुड़े रहते हैं, आनंद आता है। और आज एक और अपडेट देने वाला हूं मैं आपको, जिसमें भी बहुत आनंद आएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए, राधे राधे तो बोलते रहिए, क्योंकि बिना राधे राधे के कृष्ण नहीं मिल सकते। जब तक आप राधा रानी का नाम नहीं लोगे तब तक आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। यही साक्षात चमत्कार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किस भक्त ने राधा रानी को रिझाना शुरू किया, उसके बाद में साक्षात बिहारी जी ने कृपा की। और आज तो सच में बिहारी जी ने आज मेरे ऊपर भी कृपा की है। साक्षात बिहारी जी ने आज सुबह सुबह एक ऐसा सरप्राइज दिया मुझे कि जिससे मेरे पूरे दिन की शुरुआत आज बिहारी जी के चरणों में होने वाली है। तो सभी लोग अपने पोशाक का जो कलर है वह मुझे शेयर कीजिए। और वैसे तो देखिए सभी भक्त धीरे धीरे श्री जी की चरणों में जो हाजिरी लगाते हैं वह धीरे धीरे पहुंच रही है। धीरे धीरे श्री जी के भक्तों के जो भाव हैं वह श्री जी तक पहुंच रहे हैं। देखिए एक ही कलर बताइए, दो नहीं सिर्फ एक कलर, मैं सिर्फ एक कलर जानना चाहता हूं कि श्री जी किन भक्तों के भाव पर रीझती है। तो आज जीवन का अपना अनुभव जो मुझे हुआ सच में मुझे आनंद आया। लेकिन एक चमत्कार जो मुझे परसों शेयर किया कि भैया ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम श्री जी को रिझाएंगे तो साक्षात बिहारी जी की कृपा हमारे ऊपर होगी। ये हमारे सामने कुशल बिहारी जी का मंदिर है, ये देवस्थान विभाग के अंडर में आता है, जहां आप जब भी बरसाना आते हो तो ये पार्किंग जो स्थल है वह वही स्थान है जहां कुशल बिहारी जी का मंदिर है। ये दोपहर में ठीक 12 बजे बंद हो जाता है और शाम को 5 बजे खुलता है। आप ऐसे ही जब मंत्र के साथ में जब कमेंट करते हैं तो सच में बहुत आनंद आता है। और साथ के साथ इतने जब शेयर होते हैं ना, जब मैं वीडियो क्लोज होती है तो उसके बाद में जब देखता हूँ तो कितने लोगों के भाव श्री जी से जुड़े हुए हैं, सच में मानो इतना आनंद आता है कि अब तो मेरी इस लिस्ट में ज़्यादातर सभी टॉप फैन और शेयरर की लिस्ट में शुमार होते हैं। ये साक्षात श्री जी के लिए है, ये साक्षात जो भक्ति है वह साक्षात श्री जी के लिए है। और श्री जी को मना लिया ना प्यारों सब मन जाएंगे, श्री जी को मना लिया तो सभी मन जाएंगे, सभी अपने हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर सभी लोगों ने कमेंट कर दिए हैं कि श्री जी ने आज कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। चलिए मैं ये आपका जो सस्पेंस है ये भी दूर करता हूँ, जो आपके भाव आपने जो अपने आँख बंद करके श्री जी को देखा है उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारी राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। ऐसे ही शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, श्री जी ऐसे ही कृपा करेंगे आपके ऊपर। सभी को जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल विजयते राम। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। सभी लोग कहते हैं भैया अब तो सच में ये यकीन में बदल गया कि मेरी राधा रानी हम सबकी हो गई। श्री जी ने वो चमत्कार कर दिया कि हमारी श्री जी सबकी हो गई। आज की जो अपडेट है, जो हमारी दोपहर जो 2 बजे से स्टार्ट है, जिस जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये सब लीला
ये सब लीला श्री जी की वजह से हो रही है, क्योंकि आप श्री जी को मना रहे हैं तो श्री जी आपको बिहारी जी तक पहुंचा रही है। तो ऐसे ही आज आप बिहारी जी के चरणों में पहुंचोगे, वो नंदलाल की लीलाओं का आनंद लोगे। तो आज की जो पोशाक है, मैं बता दूं, आज हमारी राधा रानी ने हल्के नीले कलर की पोशाक पहन रखी है। बड़े प्यारे प्यारे नाम आते हैं, कंचन पिंक, स्काई ब्लू, नए जो है पीच कलर, सब अलग अलग कलरों के भाव ये भक्त व्यक्त करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो आज हमारी लाडली जी ने जगमोहन के वो प्यारे से दर्शन है श्री जी के, और उसके बाद में हमारी राधा रानी ने वो लाइट ब्लू कलर की पोशाक जो पहन रखी है, सच में हमारे गोविंद के दर्शन इतने प्यारे हो रहे हैं, इतने प्यारे दर्शन हैं ठाकुर जी के, कि आप समझ सकते हैं जब कारो जब नीले रंग की हल्के नीले रंग की जब पोशाक पहनोगे तो कितना आनंद आएगा। कुल मिलाकर सभी लोगों तक ये वीडियो जब पहुंचती है तो बहुत आनंद आता है, सभी लोग देखते हैं, लीलाएं श्रवण करते हैं, सभी लोगों के मन में यह संशय होता है कि गोसाई जी क्या बता रहे हैं। तो बहुत आनंद आता है जब लोग शेयर भी करते हैं, उसका डबल आनंद आता है। तो श्री जी ने आज लाइट ब्लू कलर की पोशाक पहन रखी है, उसके बाद में श्री जी ने आज नवरत्न चंद्र का है, श्री जी की वो प्यारी सी मुस्कान है चेहरे की, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भक्त लोग धीरे धीरे बरसाना आने लगे, श्री जी की मुस्कान चेहरे की इस तरह से है कि साक्षात प्रभु और श्री जी दोनों इतने प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं दोनों जुगल जोड़ी के, कि ब्रज का आनंद ही अलग है, अद्भुत है, बहुत ही प्यारा आनंद है श्री जी के दर्शनों का। राधा रानी ने बहुत ही प्यारा सा चंदन लगा रखा है, श्री जी की आँखों पर वो मेहंदी है, वो प्यारी सी मेहंदी जो कजराली जो काजल जैसी मेहंदी श्री जी की आँखों पर लगी हुई है। उसके बाद में हमारी राधा रानी ने, हमारी राधा रानी तुम सबकी राधा रानी ने गले में पाटिया पहन रखा है। आप भी श्री जी के उस श्रृंगार की तरह बन जाइए कि जो कभी श्री जी आपको अपने से कभी अलग ही ना होने दे। आप भी चुन लीजिए श्री जी के श्रृंगार का वो एक एक मोती जो कभी श्री जी आपको कभी अलग ही ना होने दे। उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक छोटा सा हार पहन रखा है जो कि बहुत ही प्यारा है। श्री जी का जो स्वरूप है बाल स्वरूप है, तो हमारी राधा रानी का जो श्रृंगार है वह भी बाल रूप के श्रृंगार हैं। उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक प्यारा सा जरकन का हार पहन रखा है जो कि बहुत ही प्यारा चमक रहा है। और हमारी राधा रानी तो इतनी सहज हैं, श्री जी को तो जो प्यार से पहनाएंगे वही श्री जी पहन लेती है। फिर राधा रानी ने हमारी ने एक तीन मोतियों की माला पहन रखी है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, और साथ में एक फूलों का हार है, फूलों का हार है हमारे श्री जी के, और श्री जी साक्षात सभी को दर्शन दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, हे मेरे प्यारे हो जल्द से जल्द बरसाना आओ। और बात करें हमारे प्यारे तुम सबके प्यारे गोविंद की, तो हमारे गोविंद तुम सबके गोविंद बांके बिहारी जी आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सोने के मुकुट हैं, तेज है, टिपारा है, टोपी है, बड़ी सी कलंगी है, मकराकत कुंडल हैं लाला के, वो चेहरे पर मोटे मोटे गालों पर वो पत्रावली है, सच में बहुत ही आनंद आ रहा है। श्री जी ने, ठाकुर जी ने गले में कंठा पहन रखा है, उसके बाद में एक सोने का हार है, उसके बाद में एक और अन्ना बाबा वाला हार है, अन्ना बाबा वाला हार श्री जी ने पहन, ठाकुर जी ने पहन रखा है, और उसके बाद में लाला ने एक सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी है। सफ़ेद मोतियों की माला है लाला पर, तो वैसे ही सफ़ेद हुआ, पीला हुआ, सब ऐसे चमकते हैं, लाला ही चमकता है, लाला का जब पीला चंदन होता है तो लाला को ही आनंद आता है। फिर लाला ने एक सफ़ेद फूलों की माला पहन रखी है, ऐसा प्यारा श्रृंगार हमारे गोविंद का है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है,
श्री जी की ओढ़नी में साक्षात दर्शन है। ऐसे ऐसे लगता है मानो साक्षात गोपी बने बैठे हैं। हमारे गोविंद बिहारी जी साक्षात गोपी बने बैठे हैं। तो सभी लोग एक बार आज के श्रृंगार की जय हो, राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो आज का आनंद की सभी लोग जय बोल दीजिए। और उसके बाद में जो मैं आपको एक चमत्कार शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही प्यारा है, जिसे मैं सिर्फ बताऊँ आपको कि जब कहते हैं ना कि भैया जब कि बिहारी जी की प्राप्ति कैसे होती है, बिहारी जी कैसे कृपा करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि बिहारी जी की कृपा बिना श्री जी के नहीं हो सकती है। बिना श्री जी के बिहारी जी की कृपा बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ऐसे एक भक्त थे, नाम तो मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मना किया कि भैया हमारा नाम शेयर बिल्कुल मत करना, लेकिन वे हमेशा बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते थे, बिहारी जी को मनाते थे, बिहारी जी की सेवा के लिए तरसते रहते थे। तो बिहारी जी भी उन पर खूब कृपा की, खूब कृपा करते हैं बिहारी जी। और बिहारी जी के जो लाडले हैं नितिन भैया, वे सभी के प्यारे, सब पर इस तरह से इतने प्यारे प्यारे भाव से जो लीलाएं श्रवण कराते हैं, तो साक्षात वो बिहारी जी से जोड़ देते हैं। उसी में एक भक्त थे जिन्होंने क्या किया कि जब से वो हमारे परिवार से जुड़ने लगे, हमारे परिवार से जुड़ने लगे, श्री जी की लीलाएं सुनने लगे, तो एक बार उन्होंने अभी रिसेंटली पुरुषोत्तम मास में उन्होंने राधा रानी के लिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले एक राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया उन्होंने। पाठ करने के बाद में उनके मन में एक भाव आया कि भैया मैं एक भाव सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने वह भाव श्री जी के महल में श्री जी के सामने वे व्यक्त किया। तो देखिए ध्यान से सुनना, जब भाव सब कुछ चल रहे थे तो साक्षात बिहारी जी सुन रहे थे इन सब भावों को। जब बिहारी जी इन सब भावों को सुन रहे थे, वह भी हमारी मेरी राधा रानी के परिवार में लाइव सभी भक्तों के भाव सुन रहे थे। तो जब भाव कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, अगली सुबह जिस भक्त ने यह भाव सुनाया, तो साक्षात बिहारी जी के लाडले गोसाई जी, साक्षात बिहारी जी का मैसेज उन भक्त के पास पहुंचा। उन भक्त से मैसेज करके बिहारी जी ने एक ही बात कही कि आपने कल जो ब्रजवासियों के लिए जो भजन सुनाया, ब्रजवासियों के लिए जो भाव सुनाया, सच में बहुत ही प्यारा था। तो उन भक्त ने कहा कि गोसाई जी मैं तो धन्य धन्य हो गई, आज तो साक्षात बिहारी जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, साक्षात बिहारी जी ने मेरे ऊपर कृपा की है। और उसके बाद में उन भक्त ने एक ही बात कही कि मैं बिहारी जी की चौखट पर भी एक भाव सुनाना चाहती हूँ। तो साक्षात बिहारी जी ने उन्हें अपनी चौखट तक पहुँचाया। देखिए जो भक्त बिहारी जी की चौखट तक नहीं पहुँच पाए, साक्षात श्री जी की भक्ति करने के बाद में वे साक्षात बिहारी जी उनके पास, बिहारी जी ने उन पर कृपा करी। उसके बाद में अगले दिन, ये पहले उन्होंने श्री जी को भाव सुनाया, उसके बाद में दूसरे दिन साक्षात बिहारी जी की चौखट पर उन्होंने भाव सुनाया। तो साक्षात श्री जी से मिलने के बाद में बिहारी जी ने खुद अपने पास बुला लिया। तो एक ही बात कहते हैं ना, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तो आप जब राधा रानी से शक्ति मांगोगे ना, तो साक्षात बिहारी जी आप पर कृपा करेंगे। तो बिहारी जी को मनाना है तो सबसे पहले श्री जी को अपनी अंतरात्मा से अपने भाव श्री जी को सुनाने हैं। वह वक्त हमारे साथ अब भी हैं कि साक्षात वही चमत्कार उनके साथ हुआ कि भैया मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा मुझे भाव मिलेगा, मैं बिहारी जी की चौखट पर मैं अपने भाव सुनाऊंगी। तो देखिए श्री जी को भाव सुनाया तो बिहारी जी की भी कृपा हो गई।
सभी को पता चल गया होगा, वैसे वो भक्त हमारे साथ हैं। तो श्री जी उन पर, जैसे श्री जी और बिहारी जी ने उन पर कृपा करी, उसी तरह राधा रानी और बिहारी जी आप सभी पर कृपा करें। देखिए सभी अब तो आज की डेट में सभी टॉप फैन की लिस्ट में हैं, सभी के नाम टॉप फैन की लिस्ट में, जो कि हमारा सारा वीडियो शेयर करते हैं, इसी तरह जुड़े रहते हैं। इसी तरह आप भी जुड़ते रहिए, राधा रानी और बिहारी जी की दोनों की कृपा आप पर होगी। श्री जी ऐसे ही चमत्कार करती है, बिहारी जी से मिलवाने के लिए श्री जी कुछ भी कर सकती है। देखिए बिहारी जी के लाडले, साक्षात बिहारी जी का मैसेज नहीं, साक्षात बिहारी जी आए थे जो उनको बुलाकर ले गए कि आप हमारी चौखट तक, हमें भी भाव सुनाइए। देखिए श्री जी कितनी करुणामयी सरकार है जो सभी भक्तों के भाव को जान जाती है। तो ऐसे ही बस मेरा ये विश्वास है कि हम सभी मिलकर श्री जी का जो राधा कृपा कटाक्ष का जो पाठ करते हैं, जो अपने श्रृंगार के टाइम जो मंत्र जपते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय का जो हम जाप करते हैं, इन सभी भावों पर रीझ कर हमारी श्री जी हमें बिहारी जी से मिलवाती है। तो इसी तरह आपको अगर बिहारी जी से मिलना है तो भैया सबसे पहले एक ही बात कहूँ, श्री जी को सानिध्य प्राप्त करना होगा, और जहाँ श्री जी को सानिध्य प्राप्त होगा या पर श्री जी की कृपा है गई, समझ लो बिहारी जी भी आपके पास कृपा करेंगे। देखो दोनों पर्ची हमने खोली, दो बार चमत्कार हुआ, पहली बार भी मेरी राधा रानी का परिवार खुला और दूसरी बार भी साक्षात मेरी राधा रानी का परिवार खुला। और इससे बड़ा चमत्कार क्या लोग अपने जीवन में कि श्री जी के लिए सबसे पहले मेरे प्रिय भक्त, अभी आप शेयर में चल रही हैं एकता जी, धीरे धीरे जब आपकी हर वीडियो शेयर होगी तो आप भी टॉप फैन में आएंगे। ये हमारी टॉप फैन नहीं है, ये साक्षात श्री जी की टॉप फैन की लिस्ट है। ये आप श्री जी के जो भाव है ना, जो सभी को शेयर कर रही हैं, वह आप श्री जी के टॉप फैन की लिस्ट में बन रही हो। और जिस दिन तुम श्री जी की टॉप फैन की लिस्ट में बन गई ना, वो उसी दिन बिहारी जी कृपा करेंगे। और ऐसा ही चमत्कार जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, वो हमारी सबसे पहली टॉप फैन है, वो हमारे परिवार की सबसे पहली, श्री जी की सबसे पहली टॉप फैन है, जिसके बाद में उन्हें बिहारी जी ने कृपा करी। ऐसे एक दिन आप सभी के ऊपर बिहारी जी की कृपा होगी, क्योंकि श्री जी से अगर आपको मिलना है तो मैंने पहले ही कहा था, राधे देंगी तुमको शक्ति, पहले श्री जी की शक्ति मिलनी चाहिए आपको, उसके बाद में बिहारी जी की भक्ति मिलेगी। तो धीरे धीरे आप सभी पर बिहारी जी की कृपा होगी, और ऐसे ही कृपा बनी रहनी चाहिए। और आप डेली नित्य प्रति राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए, और मंत्र का भी जाप करते रहिए। और कल हम आपको सुबह 10 बजे एक श्री जी के प्रिय या फिर कहीं भी एक ऐसे स्थल पर ले चलेंगे जहाँ के दर्शन आपने शायद नहीं किए होंगे, वहाँ का भी आनंद आएगा। हम पोस्टर लगाएंगे आप पहले की तरह परिक्रमा की तरह सभी शेयर करना, ताकि सभी लोग जुड़ सकें। और जो श्री जी की जो लीलाएं हैं, या श्री जी ने लीलाएं की अपनी सखियों के साथ लीलाएं की हैं, उसका भी सभी लोग आनंद ले सकें। तो ऐसी ही लीलाएं आती रहती हैं। तो चलिए हम एक भाव हमारे शास्त्री जी पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी के द्वारा, इनके मुख से हम दो शब्द सुनेंगे। न जय जय श्री राधे बस, और उसके बाद में मैं आपको एक अपडेट देने वाला था, वो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो शास्त्री जी हैं, पुरुषोत्तम मास में भागवत सप्ताह चल रही है, तो आज नंदोत्सव की लीला है। नंदोत्सव साक्षात गोविंद का जन्म है आज, हमारे लाला प्रकट होंगे, उसका भी हम ये लाइव सीधा प्रसारण मेरी राधा रानी से हम करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और साथ के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब नंद के यहाँ आनंद होता है, क्योंकि आनंद तब होता है जब लाला का जन्म होता है। तो इसी तरह आज हमारी भागवत में
भागवत सप्ताह में लाला का जन्म होगा, जिसका आप भी आनंद लोगे, खूब आनंद आएगा। तो हम एक बार महाराज जी के मुख से एक बार सुन लेते हैं, इनके मुख से एक बार राधे राधे ही सुन लेते हैं, और इनकी लीलाएं बहुत ही प्यारी होती हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बरसाने वाली की, हलवेली सरकार की, सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राधे। आप नित्य पति राधा रानी के मेल का, श्रृंगार का और स्वरूप का दिव्य आनंद रोज प्राप्त कर रहे हो, बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये चमत्कार जो हो रहा है, और जो राधा रानी की हमारी कृपा करती है, जो चमत्कार करती है अपने भक्तों को, वो विशेष रूप से आप श्रवण कर रहे हैं। जितने आगे तक पहुँचेंगे चमत्कार महारानी के, तभी तो भागना झुकती है लोगों को। जब राधा रानी की कृपा का हम चमत्कार सुनते तो आस्था जागरूक हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊँ, आप प्रेमी हैं, भक्त हैं, इसीलिए किशोरी जी के चरणों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिना प्रेम के किशोरी जी भी स्वीकार नहीं करती। आप में जब तक प्रेम है तो महाराज के चरणों से जुड़े ही रहोगे, आस्था बनी रहेगी, श्रद्धा बनी रहेगी, तो किशोरी जी के चमत्कार आपको नित्य प्रति आनंद में आनंद देते रहेंगे। क्योंकि आस्था सबसे बड़ी चीज है। आस्था इतनी गहरी आस्था होगी, उतनी ही जल्दी रास्ता मिलेगा और उतनी ही जल्दी राधा रानी से वास्ता पड़ जाएगा। जय हो जय हो। आपकी आस्था में गहरापन बना लो, जितना आप राधा रानी के आनंद को ले रहे हो उसमें आस्था इस प्रकार हो जाए कि वो आस्था हमारी कभी टूटी ना पाए। जितनी गहरी आस्था हो जाएगी उतना ही जल्दी रास्ता आपको प्राप्त होगा, और जब रास्ता मिल जाएगा तो भटकाव दूर होगा, और भटक गए तो फिर श्री जी को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ अटक गए श्री जी के चरणों में, आप कहीं मत अटको, केवल राधा रानी के चरणों में अटक जाओ, और जिस दिन अटक जाओगे उस दिन भटकाव समाप्त और राधा रानी का चिंतन, राधा रानी का आनंद और नित्य प्रति श्रृंगार तुम्हारे मन में उतरने लगेगा। जिस श्रृंगार को आप सुनते हैं वो श्रृंगार स्वयं आपके हृदय में उतरने लगेगा, और जैसा कि आप सुनते हैं श्रृंगार की तरह बन जाओ तो किशोरी जी आपको भी अपने श्रृंगार में कहीं ना कहीं जोड़ लेंगी और अपने श्रृंगार आभूषणों में पहनेंगी, तो आप भी उनके चरणों से लिपते रहोगे। यही आज का भाव है। बाकी 2 बजे से 5 बजे तक कथा जैसा कि बताया, आप उसमें आनंद जरूर लें, और ये नित्य प्रति का आनंद आप श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे। तो जय जय श्री राधे। शास्त्री जी के द्वारा हमने सुना कि देखिए आप भी श्रृंगार बन जाइए, आप भी श्री जी का वो श्रृंगार बन जाइए कि जिन्हें कभी श्री जी आपसे अलग ही ना होने दे। अटक जाइए श्री जी की भक्ति में, जो कहीं भटका भी ना हो। चलो अटक जाइए श्री जी की भक्ति में, जो कहीं भटका भी ना हो, ना कोई रास्ता हो, सीधा श्री जी से वास्ता हो। कहीं आपका कोई रास्ता ही ना हो, बस सीधा श्री जी से वास्ता हो। जब श्री जी से वास्ता होगा तो आपको साक्षात बिहारी जी की कृपा आपके ऊपर होगी। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी के, कामधेनु जी के, राधा रानी के दादी बाबा के, साक्षी गोपाल जी के दर्शन करते हैं। देखिए बहुत आनंद आता है। श्री जी की जो लीलाएं होती हैं, श्री जी के जो चमत्कार होते हैं, उनका भी बहुत आनंद आता है जैसे आप श्रवण करते हैं। इसी तरह आप लीलाओं का आनंद लेते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और श्री जी की उस टॉप फैन की लिस्ट में बन जाइए कि श्री जी कभी आपको कभी अपने से दूर ही ना करें। बोल जय हो ब्रह्मा जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय हो श्री बरसानो धाम रंगीलो। एक बार मैं मोबाइल नीचे कर रहा हूँ, सभी लोग मत्था टेक लीजिए। जय जय श्री राधे। अब हम पहुँचने वाले हैं कामधेनु जी के पास, जो कि सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ भी आप एक बार मत्था टेक लीजिए। जय जय श्री राधे। ऐसे ही श्री जी की लीलाएं, श्री जी के चमत्कार
आप भी शेयर करते रहिए मुझे, ताकि मैं सभी लोगों को शेयर कर सकूं। बहुत आनंद आता है जब ऐसी लीलाएं और चमत्कार जब श्री जी के होते हैं, तो इनको सुनाने में भी हमें बहुत आनंद आता है। देखिए श्री जी का वो प्यारा बरसाना, श्री जी की अटारी कितनी प्यारी है, इसीलिए तो वह बरसाने वाली है। सभी के शेयर, जब भी हमारे पास मैसेज आते हैं, भैया हम लाइव नहीं अटेंड कर पाते, लेकिन जिन भक्तों के द्वारा वीडियो शेयर होती है उसको जब हम सुनते हैं, तो सच में बस एक ही बात कहते हैं कि श्री जी खूब कृपा करें कि इनकी वजह से हमें ये वीडियो श्री जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। ऐसे ही श्री जी आप सभी पर कृपा करती रहें, श्री जी कृपा करती रहेंगे, क्योंकि श्री जी है ही इतनी प्यारी, इतनी विश्वान दुलारी। श्री जी करुणा की सरकार है, करुणा की वो खान है श्री जी। देखिए जय हो, जय जय, जय जय श्री राधे। जय हो तुलसी माता। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। तुलसी माँ हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद की इतनी प्यारी है कि ठाकुर जी कभी इन्हें कभी अपने से अलग नहीं होने देते। साक्षात गोविंद इस माला को अपने गले में पहनते हैं, तो समझ सकते हैं इसकी कृपा कितनी होगी। तो तुलसी हुई, ये हमारे गोपाल जी हुए। मैंने पहले ही कहा था, हमारे गोविंद को तीन चीज़ बहुत प्रिय है, ब्रज की धेनु, ब्रज की रेनु और ब्रज की बहनु। गोविंद की बांसुरी, गोविंद की गाय और गोविंद की रज। ब्रज की जो रज है वो गोविंद को बहुत ही प्रिय है। इसी तरह हमारे श्री जी को, हमारे बिहारी जी को यह तीन चीज़ बहुत ही प्रिय है। जब से ब्रज छोड़कर गए, ठाकुर जी ने इनको देखने के लिए तरस गए, तो उसी तरह हम आपसे कहते हैं, जब भी ब्रज में आए तो ब्रज रज का आनंद लीजिए, ब्रज रज में लौट जाइए। स्वयं ठाकुर जी तरसते हैं जिसके लिए, तो आपको अगर इसका सौभाग्य प्राप्त हो तो उसका आनंद ही कुछ और है। जय हो राधा रानी की। चंपका प्रदीप्त गौर बेर रहे, देखिए राधा चालीसा। बनास्ते कोटि सारुणि, राधा कृपा कटाक्ष। राधा चालीसा का आप निरंतर पाठ करते रहिए। श्री जी को मनाना है तो बस राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना होगा। अगर श्री जी मान गई तो समझ लिए बिहारी जी की कृपा खुद ब खुद आपके ऊपर हो जाएगी। श्री जी को मना लीजिए, बिहारी जी खुद ब खुद चलकर आ जाएंगे। देखिए कितना सुंदर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ हो रहा है। प्रभु
प्रशस्त मंद हास्य शोक सागरे प्रदा करी शशि हुमा कृपा कटाक्ष भाजनम प्रदा करी शशि हुमा कृपा कटाक्ष भाजनम। देखिए कितना सुंदर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ हो रहा था, साथ में एक छोटा सा बाल गोपाल श्री जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहा था। देखिए श्री जी इन भावों पर रिझती है, इस बाल रूप पर रिझती है श्री जी। मैंने पहले ही कहा था सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय बालों पर और श्री जी बाल रूप पर श्री जी ऐसे ही रिझती है। ये हमारे रसिक बिहारी जी, उसके बाद में हम मोटे गोपाल जी को भी दर्शन कराएंगे, मोटे मोटे गलुआओं वाले के। जय हो मोटे मोटे गोपाल जी, ऐसे ही कृपा करते रहो, खूब आनंद आएगा। श्री जी ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखे। अब हम श्री जी के दादी बाबा का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम श्री जी की साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन का आनंद आपको दिलाएंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। बाबा महिमान जी, दादी सुखदा जी के दर्शन। जय हो लाडली लाल, लाडली लाल विजयते तुरा। जय हो। सभी लोग मत्था टेक लीजिए। जय जय श्री राधे। जय हो जय जय श्री राधे। राधा रानी खूब कृपा करे, ऐसे ही आपको बरसाना बुलाए। और श्री जी की भक्ति बनी रहे आप सभी के ऊपर। हम दर्शन करेंगे साक्षी गोपाल जी के। देखिए जय हो साक्षी गोपाल जी के। साक्षी गोपाल जी ने आज पिंक कलर की पोशाक है, कितना सुंदर श्रृंगार है। और देखिए श्री जी की वो प्यारी सी चंद्रिका है, गोपी चंदन है श्री जी का श्रृंगार है, बहुत ही प्यारा श्रृंगार है। उसके बाद में हमारे गोविंद ने मस्तक पर गुलाब के फूल हैं, कलंगी है, कटार है, बड़े बड़े मोरपंख हैं, मकरागत कुंडल है, हाथ में बंसी है, कितना सुंदर श्रृंगार है, लकुट है। ऐसे ही श्री जी के श्रृंगार की तरह हमारे साक्षी गोपाल जी का श्रृंगार का आनंद जो आता है, आप लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। ऐसे ही कृपा बनी रहेगी, श्री जी आप पर खूब कृपा करें, आप राधे राधे बोलते रहिए और श्री जी के साथ में बिहारी जी की भक्ति का भी आनंद प्राप्त कीजिए। बोली राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। लाडली लाल विजयते तराम। श्री राधा रानी की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे।